दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको शिहाब भाई का जो बिल्कुल भी लाइव अपडेट है वो बताने वाले हैं कि शिहाब भाई इस वक्त कहाँ हैं और उनका जो पाकिस्तान से वीज़ा मिलने का पेंडिंग में था वो वीज़ा मिल चुका है या नहीं मिल चुका। दोस्तों एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान एम्बेसी ने अभी शिहाब भाई को भेजी है वो बड़ी खबर क्या है दोस्तों वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि शिहाब भाई के हर एक दिन का लाइव अपडेट आपको हम देते रहते हैं और दोस्तों शिहाब भाई का जो बिल्कुल भी लाइव अपडेट होता है वो हम आपको आप तक पहुंचाते हैं, उसमें कोई झूठ बात नहीं बताते। जैसे कि दोस्तों आपको पता है यूट्यूब पर बहुत सी फेक अफवाहें आ रही हैं, आप उन फेक अफवाहों से बचें और हमारे चैनल पर जो शिहाब भाई की न्यू वीडियो आती है जो हम शिहाब भाई का उसमें लाइव लोकेशन बताते हैं दोस्तों वो देखा करें। दोस्तों आप शिहाब भाई का लाइव लोकेशन देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर दें। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं कि दोस्तों पाकिस्तान एम्बेसी से एक बड़ी खबर आई है, वो बड़ी खबर क्या आई है मैं आपको एक क्लिप के जरिए सुनाता हूँ, आप सुनिएगा दोस्तों। इब्राहिम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग शिहाब भाई के पास हैं, आज भी लुधियाना से चल के आए एक दफ़ा फिर, और जो हमने परसों आप लोगों से बातें की थी यकीनन बहुत सारे लोगों को फिक्र भी हो गई होगी, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का फजल और नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज मैंने इनसे जो अभी मालूमात हासिल की हैं तो इंशाल्लाह आने वाले वन वीक में शिहाब भाई अपना सफ़र दोबारा शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। और आप सब लोग दुआ भी करें, हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क के लिए भी दुआ गो हैं, आगे भी जितने मुल्क इनके रास्ते में आएंगे उनके लिए भी दुआ गो हैं। और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमारे जुनैद खान साहब यहाँ जो इनके मेज़बान हैं आफिया किड स्कूल के ऑनर जो हैं इनके यहाँ हम लोग बैठे हैं इस वक्त स्कूल में, और शिहाब भाई माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, तंदुरुस्त हैं और हौसला भी बिल्कुल बुलंद है। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, पुराने पाक में है इन्नमल्मुसीबा हर मुश्किल के बाद आसानी। और मैं एक बात वैसे जनरली लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान, सिर्फ शिहाब भाई नहीं पूरी दुनिया में जितने इंसान, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई भी बंदा जब कोई नेकी का काम करता है, अच्छाई के लिए काम करता है, कोई सामाजिक काम करता है और कोई पब्लिक वेलफेयर का काम करता है तो जब वो काम शुरू होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आती है। तो वो परेशानी इसलिए आती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को देखते हैं कि भाई ये टिका भी हुआ कि नहीं। इसलिए अगर ये थोड़ी बहुत परेशानी बीच में आई है तो मैं समझता हूँ कोई घबराने वाली बात नहीं, ये भी अल्लाह ही की तरफ से है, अच्छे दिन भी अल्लाह की तरफ से हैं और जो दिन में परेशानी आए वो भी अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला इसको आसानी के अंदर तब्दील कर दे बहुत, तो ये भी शुक्र की बात है। जो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आके खुशी भी हुई कि इनके मेज़बान जो है फराग दिल हैं, बाद अवकात ऐसा भी होता है मेज़बान सोचते हैं मेहमान ज़्यादा देर ना हो, तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि ये जो निज़ाम बनता है दुनिया का पहले से ही अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है। तो ये बनना था, यहाँ इनको आना था, फिर स्कूल में रहना बनना था, ये कमरा बनना था, तो शिहाब भाई ने आके यहाँ पर कुछ दिन गुजारने थे, हमें इनसे मिलना था, तो ये आगे भी पता नहीं किन किन लोगों की किस्मत में अल्लाह ताला ने ये अजर जो है वो लिखा हुआ है। बेफिक्र रहें, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी सफ़र जो है वो अल्लाह की ज़ात से मुझे नेक उम्मीद है कि वो दोबारा शुरू होगा। आप सब लोग इनके लिए दुआ भी किया करें रोज़ाना, अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा किया। दोस्तों जैसे कि आपने इस क्लिप में सुना है कि जो शाही इमाम साहब हैं हमारे, वो पंजाब के शाही इमाम साहब हैं, वो बता रहे हैं कि शिहाब भाई लगभग एक हफ्ते में अपना सफ़र को स्टार्ट कर देंगे और उन्हें जो एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान का वीज़ा मिल सकता है। दोस्तों एक हफ्ते में अपने सफ़र को स्टार्ट करने वाले हैं और वो अपने सफ़र को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बेसब्री से बैठे हैं। दोस्तों वो एक हफ्ते बाद अपने सफ़र को लगातार स्टार्ट कर देंगे और अपने जो केरला टू मक्का का उनका सफ़र है उसे तय करेंगे। मेरे दोस्तों आज की जो लाइव अपडेट है शिहाब भाई का वो वही अमृतसर के जो खासा गांव है उसी में ही है। दोस्तों आज शिहाब भाई को केरला टू मक्का का जो सफ़र करते हुए आज 126वां दिन कंप्लीट हो गया है। शिहाब भाई आज 5 अक्टूबर 2022 को बुधवार के दिन है दोस्तों, और शिहाब भाई आज भी उसी स्कूल में बैठे हुए हैं, उसी स्कूल में बैठे हुए हैं दोस्तों, और वो अपने आगे के सफ़र के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई शिहाब भाई
अगले हफ्ते तक अपने सफर को लगातार जारी कर देंगे और उनका दोस्तों जो हर एक दिन का लाइव अपडेट होगा वो आपको मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ दोस्तों, और वो मैं आपको बताता रहूंगा जब तक वो मक्का शरीफ नहीं पहुंच जाते। इसलिए दोस्तों शिया भाई का हर एक दिन का लाइव अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लाइव अपडेट के साथ।